हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी जो 22,000 की फैमिली है यूट्यूब की, उन सभी को दिल से शुक्रिया। आप सभी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और अपना आशीर्वाद दिया। आप सभी मेरी फैमिली हैं। तो सुबह के 7:30 बजे हैं। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं दूं, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली है। तो आपसे पहले सबसे पहले आप सब हैं मेरे लिए। तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी आपकी अच्छी मनोकामनाएं होए, सच्चे मन से जो आप मांगे माता रानी से, वो पूरी हो। और अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप हमेशा खुश रहे, यही दुआ करती हूँ मैं आज। और यहाँ पे है मेरी मानसी। देखिए, हम लोग सुबह के 7:30 बजे सब लोग नहा धो के, मैं भी थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ, क्योंकि आज नया साल है तो खुशी का दिन है। और मानसी ना कल ही कह रही थी, मम्मी परसों कह रही थी, मम्मी नया साल आने वाला है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो उसकी खुशी में आप सब भी शामिल हो जाइए थोड़ा सा। ये देखिए, सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलो बेटा, हैप्पी न्यू ईयर। और ये आ गई है सोना, सोना भी बोलेगी सबको हैप्पी न्यू ईयर। और चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे हाँ, बाबू भी, हाँ रुको, चुप, हट जाओ सोना, हट जाओ सोना। ये देखिए, मेरे बाबू से भी आप सब हैप्पी न्यू ईयर कीजिए। अभी खड़े हो जाओ, खड़े, सामने लो बच्चों, खड़ा हो जाओ, सबसे बातें करो। ये देखो देखो, बोलो हैप्पी न्यू ईयर। क्या खा रहे हो बता दो? टोस्ट खा रहा है, अभी टोस्ट खा रहा है। वाह, क्या खा रहे हो? टोस्ट टोस्ट टोस्ट। और इधर ये देखिए, एक बंदरिया मेरे घर में घुस आई है नए साल वाले दिन। ये देखिए, एक बंदरिया घुस के क्या कर रही हो? बोलो सबको नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर। नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर मेरे के चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, तो ये देखिए, अभी ये ना किचन में चढ़ के बैठी है। एक तरफ मैंने दलिया रखे हैं बनने के लिए और एक तरफ मैंने रखा है चाय। तो सिलवाज पे मैंने रख दिया, ये चल के देख रही है। तो ये देखिए, हमारा चाय और दलिया बन गया है। तो हम लोग सब लोग खा रहे हैं साथ में बैठ करके, और बाबू भी खा रहा है साथ में बैठ करके। जब कोई चीज खाने लगो ना, तो फिर ये खाने नहीं देता है। और इसको ना सुबह सुबह खाने की इसकी भी आदत हो गई है सबके साथ रह रह के। तो इसे देखिए, मैं खिला रही थी उसको, खिला रही थी मैं, और जब उसे ना खिला करके मैं झूठ को झुठलाती कि मैं खाने जा रही हूँ, तुम्हें नहीं खिलाऊंगी, तो कैसे ना रोने लग गया था। देखा ना आप सभी ने, मेरे ऊपर चढ़ के खड़ा हो गया कि जल्दी से मुझे मम्मा खिला दे, नहीं तो मम्मी खा जाएगी। ये ऐसे ही परेशान करता है। अगर किसी को चाय पीते हुए देखता है या फिर कुछ खाते हुए देखता है ना, तो ऐसे ही परेशान करता है। ये नैन्सी है, गई है दूध लेने के लिए। और चलना तो अभी इसने शुरू कर ही दिया है, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा का हो गया, 1 साल 1 महीने का हो गया है। और तो चल करके इधर उधर सारा दिन दौड़ता रहता है, पूरा दिन कपड़े जो है भिगोता रहता है पानी में। तो अभी मुझे इसको और भी ज़्यादा संभालने की मतलब जिम्मेदारी हो गई है। वैसे था ना, तो चलो बैठा रहता था एक जगह पे, या फिर मैं इसे कहीं बैठा दिया करती थी तो वही जगह पे बैठा रह जाता था। अभी क्या हो गया है कि ये ना, इसको रोने की आदत ज़्यादा लग गई है, और हर वक्त इधर उधर चलता रहता है। मोजे भिगो लेता है, पैजामे भिगो लेता है, स्वेटर भी भिगो लेता है। तो इसी तरीके में मुझे ये परेशान करता रहता है, इसकी वजह से मेरे और ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। बाबू, तो ये देखिए दाल बन गई है मेरी। दाल में मैंने तड़का लगा दिया है लहसुन और जीरे का। प्याज आज नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो आज है बाजार, तो हमारे यहाँ आएंगी चीज़ें बाजार की, तो इसको धो लेती हूँ, उसमें डाल दूंगी चावल। ये देखिए, ये बंदा मुझे कोई काम नहीं करने देता है, हर वक्त रोता रहता है। जब से उठा है ना, तो रोता ही रहता है। और धूप नहीं निकल रही है तो बिस्तर मुझे डालने हैं धूप में। और टॉयलेट कर करके देखिए क्या हाल कर दिया है इसने, कैसे रो रहा है। ले 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 ले, हाँ आ जा। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, ठंडी बढ़ गई है ना, बता दो सबको, ठंड है कि नहीं आपके यहाँ, बता दो, बता दो मेरा बच्चा, नहीं बताएगा तो आज मैं शायद शाम तक का वीडियो आप सभी को दिखाऊं, लेकिन अभी सुबह सुबह ही का समय है, 10 बज गए हैं, 10:30। आज मेरा खाना भी लेट बना, ये है नहीं, हॉस्पिटल गए हैं। हाँ भैया, यारो मेरा बच्चा बैठ जा, तो मैं खाना बना लूँ। मेरे बाबू, क्या हुआ, क्या आया है?
पापा आ गए। अरे 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 क्या आया है भाई? जलेबी। जलेबी? अरे वाह, गर्मा गर्म जलेबी। ठंडी है? ठंडी ठंडी। थाली में निकाल लो, फिर सब लोग रही हो। ठंडी है फिर करी हो गर्म है। अभी को दो, अभी को दो, देखो देखो परेशान है उसको तो थोड़ा सा। ये लो, तो आप लोग भी ये चीनी वाली है, गुड़ वाली नहीं है। तो आप लोग भी आ जाइए और गर्मा गर्म खाइए जलेबियाँ। अरे फूफस का इलाका उन्हें जाने कौन मुबारक हो भैया नया साल। ए फूफस का इलाका उन्हें जाने कार्टून में देखा था। तो अभी मैं छील रही थी मटर, ये देखिए मटर की प्लेट है मेरे हाथ में। इसको लेके आई हूँ छत पे बकरी को देने के लिए, ठंड बहुत ज़्यादा है तो आज मैंने जानवरों को निकाला नहीं बाहर। ये देखिए तो इसकी तसली कहाँ है, दोनों को दे दूँ पहले तो बताऊँ। दे दी दोनों को खाने के लिए। हाँ क्या हुआ? तो देखिए दोस्तों, अभी ना शाम के बज गए हैं, 3:30 बजे का समय है और इनको जाना है हॉस्पिटल, तो इसीलिए मैंने शाम का खाना इतनी जल्दी बनाना शुरू कर दिया है। मैंने सोचा बना लेती हूँ, आ गए हैं तो ये भी खा पी करके ही जाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही चले जाएंगे सुबह का खाना। अब दोपहर में तो आ गए थे तो उस समय इन्होंने खाया पिया था, मैंने सोचा शाम का खाना भी बना देती हूँ तो ये खा पी लेते हैं तो फिर जाते हैं। और अभी मैंने क्या देखिए, मैंने चावल नहीं बनाना है मुझे, बनाने जा रही हूँ खीर। तो बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि इनको जल्दी जाना था, नहीं तो खीर को मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ, देसी घी में तल के बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने ऐसे ही रख दिया, दूध ज़्यादा डालूँगी और पानी बस बहुत थोड़ा सा डालूँगी जिसकी वजह से ये टेस्टी हो जाएगा, नहीं तो हमें खीर वैसे ही अच्छी लगती है जब हम देसी घी में भून करके बनाते हैं। तो आज तो मैंने ऐसे ही बना दिया। तो अभी मैं जा रही हूँ बनाने के लिए सब्जी, आलू मटर और टमाटर ये सब की भुजिया बनाऊँगी सब्जी, क्योंकि खीर तो है ही तो भुजिया बना लूँगी, जल्दी हो जाएगा। और ये मेरे पास ये सब्जियाँ लेके आए थे तो मुझे बोल रहे थे कि देख लो कौन सी, क्योंकि आज कई दिनों से हमारे यहाँ सब्जियाँ नहीं आई थी, पिछले एक हफ्ते थे तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। मैंने इनको बोला था तो वही ये देख रहे थे और मुझे बता रहे थे कि देखो क्या है क्या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, अभी तल रही हूँ पूड़ियाँ, पूड़ी और बनी है आज घर में सब्जी और खीर, वो मैंने आप सभी को दिखाया था ना, अभी खीर बना रही थी क्योंकि बच्चे जीत करके बैठे थे कि मम्मी आज नया साल है कुछ बनाओ कुछ बनाओ। और सुबह उसके पापा लेके आए थे जलेबी, फिर भी लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए था तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। और शाम का समय है, अभी 4:30 बज गए हैं तो मैं ना बनाने लग गई हूँ, बस कुछ नहीं करना है अब, ये पूड़ियाँ ही मुझे तलना है। सब कुछ तो मैं बना ही चुकी हूँ, सब्जी खीर और पूड़ी दिखाती हूँ आप सभी को। पहले इसको निकाल तो लूँ, तो अभी ये हो गई है, इसको निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, ये रखी है मैंने इसकी थालियाँ यहाँ, ये देखिए ये मैंने बनाई है भुंजिया आलू मटर और टमाटर की बहुत ही टेस्टी वाली सब्जी, और इधर बनी हुई है खीर ये वाले भगोने में, ये आप सभी ने देखा ही ना। तो अभी देखिए मेरा पूरा आटा रखा हुआ है, तो अभी मैं बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से, फिर आप सभी से बातें करती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अंधेरा, फिर मुझे दिक्कत होगी बनाने में खाना। और बच्चे ना ऊपर खेल रहे हैं, बाबू को भी लिए हैं, बाबू भी खेल रहा है, नहीं तो बाबू अभी फिर जिद पे आ जाएगा तो फिर उसे मम्मी ही चाहिए होगी, फिर कुछ किसी की बात नहीं सुनेगा, ना मेरी ना बच्चों की। बाबू बाबू। तो दोस्तों इसके साथ आप सभी को मिलते हैं कल के ब्लॉग के साथ, बाय बाय, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।